ये हो जाएगा। राइट, जी सर। पहले सुडो कोड राइट करो, फिर मुझे फिर व्हाट्सएप पाइथन कोड करना। ये वाला क्वेश्चन सर समझा देंगे किस तरह करना। ये वैसे सिमिलर है जैसे हमने प्रीवियस प्रोग्राम किए थे ना, तो इसमें आपने करना क्या है, बेसिकली कह रहे हैं कि स्कूल हैज 1500 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि आपका लूप 1500 टाइम चलेगा। इसको आप फाइव फाइव कर लें, ठीक है, या फाइव तो वैसे भी है, चले फाइव कर लें या टेन कर लें, ठीक है। सो इट इज कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन देयर म्यूजिक प्रेफरेंस, ईच स्टूडेंट यूजेस अ कंप्यूटर एंड इनपुट देयर नेम एंड देन चूजेस वन ऑफ फाइव ऑप्शंस। देखो फाइव ऑप्शंस, इसका मतलब जो कंपैरिजन होगा वो इन ऑप्शंस पे होगा। अच्छा, अगर यूजर इनपुट वन करता है तो इसका मतलब आपने रॉक को कैलकुलेट करना है, हाउ मेनी पीपल हैज टेक चूज रॉक, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है हाउ मेनी, ठीक है। ठीक, जी सर क्वेश्चन का समझ आ गया जी, ये नहीं समझ आ रहा कि इसका सुडो कोड किस तरह लिखेंगे। अच्छा सूडो कोड, ठीक है, वो बताता हूँ मैं, वही इसमें लूप चलेगा वो भी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये इसका काउंट करना है, इसको काउंट करना है, इसको काउंट। अच्छा, इसका ये भी एक क्लासिकल इनपुट फाइव वाली। अब यहाँ पे क्या राइट एंगल यूजिंग सुडो कोड, इनपुट द चॉइस ऑफ ऑल 1500 स्टूडेंट्स, तो आप फाइव कर लें, वैल्यू 1 to 5, आउटपुट ऑल द नेम्स ऑफ स्टूडेंट हु चूज क्लासिक। अच्छा, इसको बस ये एक चीज डिफरेंट है कि जब आप इनपुट फाइव करेंगे तो एक तो क्लासिकल को काउंट करना है, उसके साथ आपने इसके नेम शो करने उन स्टूडेंट के जो के क्लासिकल को चूज करें, तो ये उसके साथ ही होना। तो आउटपुट परसेंटेज हु चूज ईच ऑप्शन। तो बेसिकली ये भी याद रखना है कि जिन वैल्यूज के हमें टोटल चाहिए होते हैं तो आप इस तरह कर सकते हैं, रॉक टोटल इक्वल टू 0, तो इन सब के 0 0, ये भी 0 होगा, 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 इनकी इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हमने वो क्या नाम है टोटल को 0 किया हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये रहा मेरा, यहाँ तक क्लियर है, मैं जी सर। आगे बढ़ता हूँ। ये इसका आउटपुट है, ये देख लीजिएगा, तो ये देखो, ये भी आपको मैंने बताया था ना कि जिनका टोटल चाहिए होता है उनकी इनिशियल वैल्यू आपने 0 रखनी है। एज यूजुअल हमने ये मैनी टाइम कर चुके हैं, दिस वन दिस वन, आपने ये लूप चलाना है, फॉर स्टूडेंट इक्वल 1 to 1500, इसको आप 5 10 कर लें, काइंड ऑफ 10 टाइम। यहाँ पे आप इनपुट करवाएंगे चॉइस कॉमा पीपल नेम, ठीक है। तो पीपल नेम इसलिए कि उसने उन स्टूडेंट के नाम शो करने जो इसलिए क्लासिकल को चूज करें। इफ चॉइस इक्वल टू 1 देन रॉक इक्वल टू रॉक 1, ठीक है, दिस वन दिस वन दिस वन एंड ऑल सेम। इफ चॉइस इक्वल टू 5 देन आउटपुट पीपल नेम, ठीक है। तो ये आपका लूप यहां पे एंड हो जाएगा, यहां से बाहर आएंगे तो आपने परसेंट कैलकुलेट करवाना है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन एंड आउटपुट, ये आपने आउटपुट करवाना, ठीक है, ये हो जाएगा। ये रहा, समझ में आया, जी सर। इसमें कोई इश्यू, नहीं सर। इसको परफॉर्म कर लो, सूडो कोड राइट करके मुझे भेजो, फिर आपने इसका पाइथन कोड राइट कर, जी सर। ये मैं हटा दूं या रहने दूं, क्वेश्चन सर क्वेश्चन दिखा दें।
रामेन, हैव यू डन? ये रन हो गया आपके पास? जी सर, ये मैंने आपको भेज दिया और ठीक है, क्या सर आपके पास रन हो गया? आपने रन करके देखा? अच्छा, ये सुडो कोड। सुडो कोड, ठीक है। अब आप पाइथन कोड कर रहे हैं, जी सर, तो अभी पाइथन में कन्वर्ट कर लो, तो रन करके बताओ कि ये रन हो रहा है कि नहीं। सर वो इन रेंज का क्या था, 1 मिनट आप बता सकते हैं? हाँ, इन रेंज में आपको दिखाता हूँ, ये देखो, फॉर लिखोगे, फिर जो भी लूप लूप का नेम जो भी आप रखें वो रखेंगे, इन रेंज ब्रैकेट के अंदर इनिशियल वैल्यू और एंडिंग वैल्यू आप रखें। जी ठीक।
सर यस ये मैंने आपको पाइथन का कोड भेजा है जो मैंने लिखा है, इसमें कोई गलती आ रही है लेकिन। वो मुझे अगर तुम टेक्स्ट फाइल भेजोगे ना ज्यादा आसानी होती है। इसकी टेक्स्ट फाइल भेज सकते हो भाई, जी सर क्योंकि इसे ना चैट से देखना मुश्किल होता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ पे इशू है। गलती यानी ये रन नहीं हो रहा? नहीं, आपने कॉलम नहीं लगाया ना इसके आगे। या आपने पता क्या गलती की है? कॉलन जी कॉलन कॉलन, ये देखो, ये वन के आगे कॉलन लिखा, जहां पे इफ एंड होता है ना वहां कॉलन लगेगा, और लूप के आगे भी, लूप भी जहां एंड होता है सर पहले मैंने ये लगाया था तो तब भी एरर आ रहा था। वो फिर कोई और एरर। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, जी सर मैं 1 मिनट आपको भेज दे रहा हूँ। या तो टेक्स्ट फाइल भेज दो, या मैं आपको ऑप्शन देता हूँ स्क्रीन शेयर करने का ना, तो वहां से भी लूप। मेरा ख्याल है जी मेन सर एरर जो मैंने यही आ रहा है। आपको भेज हाँ दिया फाइल। अच्छा, यहाँ तो कॉलन लगा हुआ है लूप के एंड में तुम्हारा, इफ किसी भी इफ कंडीशन के आगे तुम्हारा कॉलन नहीं लगा हुआ है। ठीक वो सर मैंने आपको फाइल भेज दी है। है, तुम इसको फिर से देख लो, इसमें कोई देखो या यहाँ पे देख लो, ये ज्यादा भी विजिबल है। डबल इक्वल डाला है आपने? डबल इक्वल डाला हुआ है आपने? हाँ ठीक है, ये तो डॉट पाई फाइल है ना, इससे तो ये देखो इसमें हाँ, 1 सेकंड होल्ड करना। अच्छा, आपकी एक तो मिस्टेक पता क्या है? जी रामे, आर यू लिसनिंग? अच्छा, जी सर एक तो आपने कीवर्ड, एक आपने वेरिएबल यूज किया है क्लास। क्लास जो है ना कीवर्ड होता है, क्लास। सर वो लोअर केस से होता है, सी से या अपर केस सी है। हाँ, लेकिन वो आप उसको ना यूज करें, उसकी जगह पे आप उसको सी एल एस यानी
क्लास भी रखा है आपने, क्लासिकल कर देना, तो क्लासिकल कर दे, ज्यादा अच्छा है, ठीक जी सर, है ना। वो क्लास का मतलब, क्योंकि वो रेलिवेंट की जो वेरिएबल होता है ना, वो रेलिवेंट होना चाहिए। एक तो इसको क्लासिकल कर दें आप, ठीक है। और दूसरा एक और एरर था, आपने वहाँ पे सिंगल ई को लगाया हुआ है, जी चॉइस ई वो आपका डबल इक्वल होना चाहिए। एक तो वो एरर आ रहा है, ठीक है। दूसरा एक आपने मेरे ख्याल प्लस इक्वल टू का जो साइन यूज किया ना, जी और आपने परसेंटेज के लिए क्या यूज किया है, आपने खाली ना परसेंटेज, ये 15 पता है क्या, रॉक को डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 100 करो, फिर मल्टीप्लाई 100 भी तो करोगे ना। नहीं सर, वो तब होता हाँ, ना अगर मैं डिवाइड बाय 1500 कर रहा होता, लेकिन आपने ऊपर 1500 लिया है ना। तो वही ना सर, अच्छा, परसेंटेज निकालने के लिए और एरर कहाँ पे आ रहा डिवाइड था, बाय एरर कहाँ पे आ रहा फिफ्टीन था, कर, वो आई थिंक 9th लाइन में, 8th या 9th। नाइन्थ लाइन में इशू आ रहा था। इफ चॉइस इक्वल टू वन, वहां पे तो चॉइस इक्वल टू वन है, रॉक इक्वल टू रॉक प्लस वन है, इफ चॉइस इक्वल टू सोल इक्वल टू सोल प्लस वन, इफ चॉइस इक्वल टू थ्री। अच्छा, एक तो आप क्लास को क्लासिकल कर दें, ठीक है, और आखिर में आपने इफ चॉइस सिंगल इक्वल लगाया, इसको डबल इक्वल करें, ठीक है। और प्रिंट के बाद आपने ब्रैकेट नहीं लगाई, आखिर में जो आप प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये प्रिंट आपको अलग अलग करवाना होगा। ये जरा देखें, मैं आपको शो करता हूँ। जी सर, एक तो देखें ये आपका प्रिंट, आप ये देखें ना, प्रिंट कमांड सबकी अलग अलग आएगी, ठीक है। ये देखें, एक तो क्लासिकल को इफ चॉइस इक्वल टू 5, क्लासिकल को यहाँ पे कैलकुलेट, यहाँ पे क्लासिकल यूज सर ये करेंगे। प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है? ये एक वही है ना, क्या है इसको यार, क्या कहते हैं, क्लासिकल इक्वल टू क्लासिकल प्लस 1 होता है ये, क्लासिकल इक्वल टू क्लासिकल, ये ऊपर ऊपर है ना ये। हाँ, तो इस तरह भी लिख सकते इस तरह हैं भी लिख सकते हैं, ये देखो ये यार, क्लासिकल इक्वल टू क्लासिकल प्लस 1, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्लासिकल इक्वल टू क्लासिकल प्लस 1, प्रिंट द स्टूडेंट नेम इज जो भी पीएन है, और क्या नाम है, फिर ये देखो ये प्रिंट ना अलग अलग करवाओगे, वो सूडो कोड फॉर्मेट तुमने यूज किया है, आप समझ गए। हाँ, जी सर, वो मैंने सुडो कोड को कॉपी पेस्ट करके फिर चेंज सूडो करना कोड शुरू फॉर्मेट, किया। इसको करेक्ट कर लेना दोबारा, इसको ठीक है ना, इसको दोबारा वर्कआउट करना, और फिर मुझे बताना जी क्या। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम व्हाइल लूप डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी सर, और नेस्टेड लूप पढ़ा है आपने, जी सर पढ़ा हुआ। वाइल और नेस्टेड लूप पढ़ने के बाद फिर हम आपके चैप्टर 7 पे आ जाएंगे, जो बुक का सीक्वेंस है ना, फिर वो फॉलो करेंगे, ठीक है। कि जी सर, फिर आपकी यानी बुक से भी लाइनअप, और बुक के साथ साथ में पेपर बेस्ड क्वेश्चन जो है, ये भी पेपर बेस्ड क्वेश्चन ही थे, लेकिन ये है कि आपके जो पैटर्न, न्यू पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है। जी सर, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।